हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी 25 ब्रेकफास्ट की रेसिपीज जो कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से कुछ रेसिपीज हमने ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बेबी फूड रेसिपी के नाम से आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें सारी फूड रेसिपीज हैं। अगर इनमें से कुछ रेसिपीज का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम उनको पोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगी कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, मतलब जो कि ऐसे बच्चे जो कि 1 साल से छोटे हैं, उन्हें हमें सॉल्ट एंड शुगर नहीं देना होता है। और जितने भी 8 महीने से छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमें खाना केवल प्यूरी फॉर्म में देना होता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो उस टाइम पे च्यू नहीं कर पाएगा, तो प्यूरी फॉर्म में देना ही सही रहेगा। और 8 महीने से बड़े बच्चों को आप चाहें तो मैश करके खाने को दे सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और चैनल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सूजी की। तो आप सूजी को आप रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करने के बाद आप उसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो सूजी की खीर बना सकते हैं, सूजी का उपमा बना सकते हैं, सूजी और बनाना का हलवा बना सकते हैं, सूजी और एप्पल की पॉरिज बना सकते हैं, सूजी और चुकंदर या बीट रूट को मिलाकर उसका पॉरिज तैयार कर सकते हैं, और आप चाहें तो रवा सूजी इडली बना सकते हैं। तो ये रही सूजी की बात। अब बात हम करते हैं व्हीट दलिया, मतलब कि गेहूँ के दलिया की। तो दलिया भी आप सेम दलिया की पॉरिश बना सकते हैं, दलिया एंड एप्पल मिक्स करके उसका पॉरिश बना सकते हैं, दलिया और बनाना को भी मिक्स करके आप बच्चे को दे सकते हैं, जो कि हेल्दी भी होगा एंड टेस्टी भी होगा। आप चाहे तो दलिया का उपमा भी बनाकर दे सकते हैं बच्चे को। अब बात करते हैं बेसन की। तो आप बेसन का चीला दीजिए बच्चे को, बहुत पसंद आएगा, बहुत सॉफ्ट होता है वो, तुरंत गर्मा गर्म दीजिए। और आप चाहे तो उसे तोड़ के हल्के हाथों से मैश करके 8 महीने से जितने बड़े बच्चे आप उनको दे सकते हैं। मेरी बच्ची बहुत पसंद करती है, हम उसको जनरली बनाते ही रहते हैं। और बेसन का आप हलवा भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं व्हीट, मतलब कि आटे की। तो जो नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा होता है, उसका आप चाहें तो आटे का हलवा भी दे सकते हैं बच्चे को, आटे का आलू पराठा भी दे सकते हैं, पनीर का पराठा दे सकते हैं, मिक्स वेज करके आप पराठा तैयार कर सकते हैं, वो दे सकते हैं बच्चे को। इन सब खाने में आप ये ध्यान रखिए कि शुगर और सॉल्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, शुगर एंड सॉल्ट जितने भी 1 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं देना है। अब बात करते हैं रागी की। तो रागी की भी आप पॉरिश तैयार कर सकते हैं, रागी का पैनकेक दे सकते हैं। रागी बहुत ही हेल्दी होता है, मैं हर एक वीडियो में ये बोलती हूँ कि रागी आयरन रिच है, तो बच्चे को दीजिए आप। इवन बच्चे को हर वीक भी अगर आप ब्रेकफास्ट में रागी देंगे तो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं साबूदाना की। तो आप साबूदाना से बच्चे की खीर बना सकते हैं, बच्चे को बहुत पसंद आएगा। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, लाइक 12-13 महीने के होते हैं, आप उनके लिए साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं, वो भी बहुत पसंद आएगी बच्चे को। इसके अलावा आप चाहें तो मूंग दाल का चीला भी बना सकते हैं। आप मखाने की, जो 1 साल से बड़े बच्चे, मखाने की खीर दे सकते हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे उन्हें मखाने की पॉरिश दे सकते हैं। पफ राइस की आप पॉरिश दे सकते हैं बच्चे को, या जो पोहा होता है हमारा, पोहा की भी पॉरिश दे सकते हैं। हमने इसमें से काफ़ी रेसिपीज शेयर कर रखी है, बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ रेसिपीज का वीडियो चाहिए हमें बताइए, हम उसका वीडियो जरूर शेयर करें। इसके अलावा आप पम्पकिन खीर दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो प्यूरी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप वैरायटी मेंटेन कर सकते हैं और बच्चे को रोज नया खाने में दे सकते हैं। इससे आपके बच्चे को हर रोज एक नया टेस्ट मिलेगा, तो उसकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत अच्छी होंगी और बच्चे को खाना खाने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा। फटाफट आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच।